हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन विद द न्यू ग्रैनी मोड गाइस, जो कि होगा अपना बारबी गेम गाइस, जो कि हम लोग ने पिछले एपिसोड में स्किप किए थे गाइस। तो इस बार हम लोग कुछ अलग सा ट्राई करेंगे और करना चाहेंगे गाइस। हम लोग सारे चीजों को हर एक तरह से हम लोग एक्सप्लोर भी करेंगे। और तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट एपिसोड ऑफ द ग्रैनी मोड, जो कि है बारबी गाइस, बारबी मोड। तो भाई आ चुके हम लोग फिर से उसी रूम में जिसमें कि हम लोग हर बार इस क्रैनी ने अपने रूम में जो अपनी प्यारे से रूम में रखा गया है हम को। तो भाई यहाँ से हम लोग चलते अपने बाथरूम वाले एरिया में, हम लोग फर्स्ट एक्सप्लोर करते हैं अपने बाथरूम एरिया को। ओके तो इसमें तो भाई कुछ भी नहीं है। तो भाई आई थिंक क्रैनी आ रही है, तो भाई हम लोग कुछ छुपना पड़ेगा पहले, क्योंकि अगर हम लोग डोर पे जाते तो भाई देख ही सकते हो कि अगर हम लोग डोर पे जाते तो यार हम लोग को हमारा मरना फिक्स था, क्योंकि गाइस वहीं से ग्रैनी भी वहीं से आती है। तो यार हम लोग को तो रुकना था ही वहीं पे, क्योंकि भाई ग्रैनी है तो ग्रैनी तो हम लोग को मारने से पहले भाई पूछती भी नहीं है कि हम क्या हम तुम्हें मार सकते हैं। बट यार ग्रैनी क्या मारेगी। तो भाई चलो हम लोग चलते कि नीचे साइड और जरा देखते कि हम लोग इसमें क्या क्या हो सकता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं भाई। तो ओके इसमें हर एक चीज़ को हम लोग अच्छे से फाइंड आउट करेंगे कि अगर हम लोग किसी में कुछ एक सीक्रेट रूम भी मिल सकता है हम लोग को, तो भाई हम लोग हर चीज़ को अच्छे से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ओके पहले इस बॉक्सेस को हटाते हैं भाई, क्योंकि हर बार यार बॉक्सेस बहुत परेशान करते हैं यार, बीच में जाने नहीं देते और बीच में खड़े हो जाते हैं बॉक्सेस सारे। तो भाई इस रूम के भी कुछ बचे हुए बॉक्सेस। ओके ये दोनों भी ड्रॉअर खाली है भाई ये सब। तो भाई चलो चलते कुछ नीचे साइड चलते भाई। ओके तो मैंने बोला ही था कि ये बॉक्सेस हमें परेशान करेगी भाई। ओके यहाँ पे एक और नीचे रूम है, तो भाई इसको भी हम लोग चेक करते कि इसमें हम लोग अगर क्या रखा गया। ओके इसमें है गाइस हैंडल व्हील। ओके विंच हैंडल मिल चुका है हम लोग को, विंच हैंडल। तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि विंच हैंडल कहाँ लगेगा भाई। विंच हैंडल लगेगा गाइस पीछे बैक साइड पे, बैक साइड के यहाँ पे होता है फार्म हाउस। ओके चलो यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे एक फ्रेम का टुकड़ा हुआ है, फ्रेम के कुछ पीसेस पड़े हुए ऊपर, तो उसको हम लोग रखेंगे तो वहीं पे रहने देंगे, क्योंकि हम लोग करने वाले सारी चीज को अच्छे से फाइंड आउट करते हुए हम लोग निकलेंगे। तो हमारा प्लान है इसमें कि हम लोग हर चीज को हर जगह से हम लोग को फाइंड आउट करते हुए निकलेंगे और अच्छे तरह से हम लोग एक्सप्लोर करेंगे हर चीज को। ओके तो यहाँ पे कुछ था भाई उस जो कि उसमें बस एक नोटिस होता है, जो कि यहाँ पे पिछली बार जो यहाँ पे फंसा हुआ था बंदा, वो अपना जो लेटर होता वो वहाँ पे लिखा था इस रूम में फंस के। तो गाइस वो तो एस्केप नहीं हो पाया, बट हम लोग इस पे बहुत अच्छी तरह और अच्छे से फाइंड आउट भी करेंगे और ट्राई करेंगे कि हम लोग यहाँ से एस्केप हो सके। तो गाइस हम लोग को ऊपर एक शॉटगन के पीसेस भी दिख चुके हैं, तो हम लोगों ने आप लोग को दिखाया था कि पीछे साइड आप लोग को एक शॉटगन भी देखने के पीसेस भी बचे हुए थे वहाँ पे, तो उसको वहीं पर रखते हैं भाई। हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं अपने जो कि होता है गाइस पानी का कुआ गाइस, जो कि आप लोग को मालूम है कि हम लोग उस कुएँ को हम लोग टन टन करके आप बाल्टी में से कुछ मिलता है यार, बाल्टी में कुछ है कि ओके बाल्टी में हम लोग को मिल चुका है कटिंग प्लायर। तो भाई कटिंग प्लायर का यूज़ है एक गेट पे और एक ऊपर साइड और एक सेकंड वाले अपने बेसमेंट में। प्लस टोटल 3 साइड है जहाँ पे कि हम लोग कटिंग प्लायर का यूज़ है। तो चलो चलते। तो आ चुके यहाँ पे कुछ अलग सा डेकोरेशन किया होना चाहिए था, बट यार यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट यहाँ पे कट करते हैं हम लोग, फर्स्ट कटिंग हो चुका है जो कि ये था भाई अपना कटिंग जिससे कि करंट बंद हो सकता है। ओके सेकंड एक यहाँ पे डोर पे जिससे कि हम लोग शॉर्ट सर्किट करके गेट को ओपन कर दिया हम लोगों ने, अभी लॉक ओपन कर दिए हैं भाई। तो भाई कटिंग प्लायर का भी यूज़ है एक ऊपर साइड, तो यार अभी जाना रिस्की है, बट क्योंकि गाइस क्रैनी अभी तक घूम रही है यहाँ पे, तो इसको यहीं पे रखते हैं और हम लोग चलते कुछ और चीज़ फाइंड आउट करते हैं।
ओके यहाँ पे दो चीजें भाई, हैमर भी है और आप लोगों को देख ले मिल सकता है गाइस उस छोटे वाले डब्बे में, वहाँ पे पैडल लॉक कोड भी है। तो अभी चलो चलते हैं, हैमर को यूज़ करते हैं। हैमर भी जहाँ जहाँ यूज़ है वहाँ वहाँ पे हम लोग चलते फटाफट। फर्स्ट यूज़ हमारा डोर पे है, तो डोर को ओपन करते फटाफट। ओके साउंड आ चुका है, तो आई थिंक ग्रैनी भी आनी हो आती होगी भाई, ग्रैनी भी आती होगी। तो भाई अभी तो यहाँ पे ग्रैनी नहीं है, तो चलो चलते फटक से ऊपर साइड, और जल्दी जल्दी चलते ऊपर से प्लैंक को हटाते फटाफट। तो चलो चलते फटाफट। शिट यार, ग्रैनी ऊपर ही थी भाई, ग्रैनी को मालूम है कि हम लोग कहाँ पे जाने वाले और क्या करने वाले भाई, उसको बहुत ही एडवांस है इसमें ग्रैनी। तो हमारा हो चुका है, हमारा डे टू स्टार्ट हो चुका है। तो हमने सोचा था कि हम लोग जल्दी जल्दी जाके ऊपर उस हैमर से हम लोग अनलॉक कर सके, तो यार उसी को हम लोग रिटर्न ट्राई करेंगे। बट यार अभी तो ग्रैनी ने हमें लॉक करके गई है भाई, कमरे में डोर लॉक कर दिए, तो जिससे कि हम लोग बाहर ना जा पाए इसके लिए ग्रैनी ने हम लोग को डोर लॉक कर दिए। तो हम लोग बुलाना चाहेंगे ग्रैनी को यहाँ पे, कि ग्रैनी यहाँ पे आ जाए और हम लोग को अनलॉक करे और अपना सामान जाके चेक करे। हम लोग तो इसके थ्रू हम लोग बाहर भी भाग सकते हैं। तो जल्दी जल्दी ग्रैनी को कमरे में बुलाते हैं और उससे ही अपना लॉक खुलवाते हैं, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि हम लोग के पास तो की नहीं है, तो ग्रैनी अपने पास ही की लेके गई है। ओके आ चुकी है भाई ग्रैनी, तो चलो चलते फटाफट और डोर बंद करते भाई, कि ग्रैनी को आने में ज़रा टाइम लगे। तो भाई यहीं पे हम लोग मरे थे भाई, जस्ट गेट पे हम लोग मरे थे। तो भाई हैमर भी उठा लिया हम लोग ने और लेके चलते हैं डायरेक्ट अपने प्लैंक के साइड पे, जो कि हमारा प्लैंक का यूज़ है। तो भाई प्लैंक को हम लोग लेके जाएंगे और ये यहाँ पे रखेंगे। तो भाई हैमर भी उठा लिया हम लोग ने, तो वैसे ओके सारे नीचे गिर चुके। और पहले कैमरा तोड़ते जिससे कि अगर हम लोग अंदर गए तो हम लोग लॉक नहीं हो सकते भी, अगर कैमरा चालू होगा तो गाइस हम लोग लॉक भी हो सकते हैं अंदर, तो वो भी हमें देखते हुए चलना पड़ेगा। और एक ये चीज़ प्लैंक को भी देखते हुए चलना पड़ेगा, अगर प्लैंक टूट गया तो गाइस बहुत ही गंदी तरह हम लोग ग्रैनी के हाथों मर सकते नीचे जाके। तो यहाँ पे हम लोग को एक शॉटगन के पीसेस भी देखने मिले, तो इसको भी हम लोग आगे हम लोग लेने हम लोग आएंगे रिटर्न, क्योंकि हम लोग को हर एक चीज़ को हम लोग ओके यहाँ पे एक पीसेस भी पड़े हुए हैं, फोटो फ्रेम के एक पीसेस भी पड़े हुए हैं, तो इसको भी लेके चलते हैं भाई। हैमर नीचे गिराते हम लोग फटाफट। अरे यार गिर, अरे शिट यार गिर रहा ही नहीं है भाई हैमर। ओ भाई हैमर नीचे गिर जा भाई, पेंट को फेंकते पेंट। ओके फोटो फ्रेम चले गया, बट यार हैमर क्यों नहीं आ रहा है। ओ शिट यार क्या करे, हैमर को क्या लेके चले क्या नीचे भाई, नीचे ग्रैनी खड़ी है भाई ग्रैनी। तो यार अगर हम लोग गए नीचे तो यार ग्रैनी हम लोग को मार देगी। थोड़ा साइड से चलते हम लोग और फ्रेम को हम लोग नीचे गिराते हैं, या फिर हम लोग ग्रैनी को पहले ऊपर बुलाते हैं पहले, कि आ जा ग्रैनी ऊपर आ जा भाई, हम लोग ने तेरा डॉल गिरा दिए, तो डॉल गिरने से आई थिंक सो ग्रैनी ऊपर आ जाए। तो थोड़ा टाइम हम लोग वेट करते हैं कि ग्रैनी ऊपर आ जाए, बट यार ग्रैनी तो नहीं आई, और इससे भी हम लोग नीचे गिरा दिए भाई, जिससे कि अभी ग्रैनी देखो नीचे ही आएगी। तो मतलब ग्रैनी नीचे का टारगेट की हम लोग को पकड़ने का, तो हम लोग ऊपर से ही निकलते हैं, क्योंकि अगर हम नीचे गए तो यार ग्रैनी के हाथ पे हम लोग चढ़ जाएंगे और ग्रैनी हमें इजीली मार देगी। ओ भाई भाई ओ शिट, देख ली भाई भागो 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 भाई, ग्रैनी ने हम लोग को देख लिया, तो भाई यहाँ से निकलते फटाफट। तो यार हाँ ओके निकल चुके भाई। ओ यार वो बॉक्सेस बहुत परेशान कर रहे हैं, कि जाए अगर बॉक्सेस अगर हम लोग को फंसा दिए तो भाई सीन हो जाएगा। ओके यहाँ पीछे से तो भाई पीछे भी इसी टाइम पे हम लोग लेके चलते हैं यहाँ पे से उठाते हुए, क्योंकि हैमर का अभी यूज़ तो नहीं है, क्योंकि हैमर का चीज सिर्फ दो जगह यूज़ था, जो कि ऊपर है और एक नीचे साइड होगी यूज़ था, तो हम लोग ने वो दोनों तो लेके रख लिए। तो ओके फोटो फ्रेम लगाते हैं फटक से,
ओके चलो, फोटो फ्रेम भी लग चुके हैं दो टुकड़े, अब सिर्फ दो पीसेस और चाहिए हम लोगों, दो या फिर तीन पीसेस और चाहिए हम लोगों हमको इसको ज्वाइंट करने के लिए। तो पैडल लॉक कोड हम लोग को मिल चुका है, तो इसको लगाते हैं हम लोग फटाफट यहाँ पे। ओके चलो, यहाँ से ये भी अनलॉक हो चुका है। ओके इस रूम में कुछ भी नहीं यार, इस रूम में खाली कैसे हो सकता है भाई, कुछ तो होना चाहिए भाई उस रूम में, क्योंकि गाइस उस रूम में जाना रिस्क है भाई। ओके यहाँ पे साउंड आ चुका है भाई, आ चुका है साउंड। ओके शटर को ओपन करते हैं भाई, शटर को ओपन करते हैं, इससे क्या हम लोग जल्दी स्केप हो सकते। ओबे यार ये तो कुछ अलग ही पैटर्न है, 3 3 2 1, क्या क्या भाई क्या बात है, 50 80 120। ओके यहाँ पे हम लोग को प्लस माइनस करना है क्या, कि एक्चुअली सबका रेट क्या है, हम लोग को तो उससे फाइंड आउट करते हुए निकलना है। बट यार उसमें कुछ पजल तो था नहीं भाई जिससे कि हम लोग कर सके, तो गेट ओपन करते हैं भाई, गेट ओपन नहीं हो रहा है, तो साइड से हम लोग ट्राई करते हैं। ओके चलो इसमें कुछ भी नहीं है भाई, तो इसको हम लोग ऑन ऑन करते हैं भाई और देखते हैं कि अंदर कुछ है कि नहीं। ओके चलो कुछ नहीं है, तो इसको हम लोग स्मोकर को ऑन करते हैं। ओके चलो स्मोकर भी ऑन हो चुका है, तो आई थिंक सो अगर ग्रैनी हम लोग को पीछे आई तो हम लोग स्मोकर में जाके छुप सकते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ, इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे गाइस नेक्स्ट एपिसोड में। सो गाइस अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया गाइस जल्दी से लाइक कर रहा हो, चैनल पर नए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो यार, जिसने भी अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया गाइस जल्दी से लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो गाइस इस वीडियो को, और बताओ कि गाइस ग्रैनी मोड में एक और नया मोड आ चुका है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय, होप यू गाइस विल एंजॉय द गेम प्ले।